मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ राजकुमारी। और आपने मेरी पिछली वीडियो में सीखा था ओ से ओखली। क्या सीखा था बच्चों? ओ से ओखली। तो आज हम करेंगे रिवीजन। ऐसे अनार से लेके ओ से ओखली तक की रिवीजन करेंगे। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसे अनार से ओ से ओखली तक रिवीजन। तो बच्चों, ये है आपका हिंदी असाइनमेंट। हिंदी असाइनमेंट क्लास LKG, यहाँ डालेंगे डेट, डे 38, यहाँ नेम। और आज हम रिवीजन कर रहे हैं ऐसे अनार से ओ से ओखली तक। ओके, तो चलो शॉर्प पेंसिल लेंगे, लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसे अनार टॉप पर रखेंगे कर्व बनाते हुए, एंड सेकंड कर्व स्लोली स्लोली लिखेंगे, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा ऐसे अनार। और बोल बोल के लिखेंगे बच्चों, चुपचाप नहीं लिखेंगे। आ से आम, और प्रॉपर डॉट पे लिखेंगे, डॉट से इधर उधर नहीं करेंगे। ई से इमली, फिर से बोलेंगे ई से इमली, बड़ी ई से ईक। क्या लिखा ये बच्चों? बड़ी ई से ईक। ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन। इस तरह से पेरेंट्स आपको पास में बैठ के कराना है बच्चे को, और बोलना है बच्चा लिखे, बोल बोल के लिखे। री से ऋषि, ए से एड़ी। क्या लिखा बच्चों? ए से एड़ी। ऐसे ऐनक। और पेरेंट्स पास में बैठ के देखना है कि बच्चे की लेटर फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। ओ से ओखली। तो बच्चों, आज हमने किसकी प्रैक्टिस करी? ऐसे अनार से ओ से ओखली तक की रिवीजन करी है। तो आपको ये 3 डेज तक रेगुलर करना है। पेरेंट्स आपको इस असाइनमेंट की हार्ड कॉपी निकाल कर बच्चों को उस पर प्रैक्टिस करानी है। तो बच्चों, आज आपने ऐसे अनार से ओ से ओखली तक की रिवीजन करी है ना, तो इसी तरह आपको घर पे डेली रिवीजन करनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।